बच्चों, मैं ज्योति पाराशर आपका CS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 9th क्लास में आउटपुट डिवाइस है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, पर फिर भी कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो मैंने अब दोबारा से आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, तो जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हम आज क्या करने वाले हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बच्चे क्या होता है? आउटपुट डिवाइस एक, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू द फॉर्म ऑफ द सूटेबल फॉर यूज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। कि आप कभी भी उस चीज़ को आउटसाइड द वर्ल्ड, उस चीज़ को आप देख पाओ, यूज़ कर पाओ, तो आउटपुट हमारे लिए ईजी है, मतलब आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है लाइन में, द आउटपुट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ टाइप एंड द प्रिंटेड हो सकता है, स्केच हो सकता है, विजिबल ऑडियो क्या हो सकता है, यहाँ पे स्केच, विजिबल ऑडियो हो सकता है, वीडियो। आउटपुट इज ऑब्टेन ए पेपर, इट कॉल्ड इज अ हार्ड कॉपी। जो हम आउटपुट लेते हैं पेपर पे, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। व्हेन इट इज द ऑब्टेन ऑन वन ए डिस्प्ले एंड टर्मिनल, इट इज कॉल्ड ए सॉफ्ट कॉपी। और जो हम डिस्प्ले कराते हैं टर्मिनल पे, वो क्या होती है, आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। द वेरियस आउटपुट डिवाइस आर कॉल्ड, क्या होते हैं आपके क्या हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, स्पीकर एंड द प्रोजेक्टर, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या जो आपके जो आउटपुट डिवाइस क्या है, जो मेनली मॉनिटर हैं, प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं, स्पीकर हैं एंड प्रोजेक्टर हैं, ठीक है। अब मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या हो गई बच्चों, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर ही इज द आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड। उसको क्या करता है, वीडियो कार्ड के हेल्प से उसको ग्राफिकली जो जनरेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसको ग्राफिक एनिमेशन करके दिखाता है। मॉनिटर इज ए वेरी सिमिलर टू द टेलीविजन, बिल्कुल एज इट इज़ है टेलीविजन की तरह, बट यूजफुली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जो उसकी डिस्प्ले होती है इंफॉर्मेशन मच हाइयर रेजुलेशन, उसकी रेजुलेशन क्या होती है, हाई होती है। द वेरियस काइंड ऑफ द मोनिटर्स आर फॉर्म, बहुत सारे आपके मोनिटर्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात की गई आपके बहुत सारे मॉनिटर होते हैं, जैसे CRT मॉनिटर, ठीक है। क्या है CRT, इसकी आपको पहले तो बच्चों फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें CRT फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या होती थी पहले बच्चों, लार्ज वैक्यूम ट्यूब होती थी। आपको पहले पता होगा कि जब पहले मॉनिटर आए थे वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे, एज़ कंपैरिजन अब हमारे पास जो मॉनिटर्स आते हैं बिल्कुल फ्लैट आते हैं, उसमें हमारे जो कैथोड रे ट्यूब है वो नहीं होती है। यहाँ पे देखो, अब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस होता था। क्या है, ओल्डर्स मेथड था आपका टाइप था, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे CRT कंप्यूटर्स मॉनिटर यूज बीम्स टू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एल्यूमिनेट डिफरेंट एरिया ऑफ स्क्रीन। वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए एल्यूमिनेट किया जाता था। बीम मूव एंड ब्लैक एंड फोर्थ रिपीडली, वो क्या होता है, बैक एंड फोर्थ रिपीडली होता था उसके जो मूव्स होते थे। एंड अपडेट द स्क्रीन इमेज मैनी टाइम्स ईच सेकेंड, उसकी जो हर सेकेंड के अंदर क्या होती थी, इमेज अपडेट होती थी। CRT मोनिटर आर द रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड द रिलायबल, ठीक है, वो एक्सपेंसिव भी नहीं होते थे और रिलायबल भी थे। हाउएवर दे आर आल्सो बी द सम बट कम्बरसम आर द हैवी, पर उसका जो कम्बरसर होता था मतलब बहुत हैवी होता था, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे बच्चों, जो आपको ये मॉनिटर दिख रहा है इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी, क्या होती थी, CRT कैथोड रे ट्यूब होती थी, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, किसी की उसके कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ प्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं इनको, एडवांटेजेस को क्या बोलते हैं, कॉन्स, क्या बोलते हैं, कॉन्स, ठीक है, ये बोलते हैं इनको,
कॉन्स, ठीक है, डिसएडवांटेजेस को। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, एडवांटेजेस पे क्या कहता है। जो CRT मॉनिटर है वे हैव हाई रेजोल्यूशन, उसकी क्या रेजोल्यूशन, जो पिक्चर रेजोल्यूशन थी वो क्या थी, बहुत हाई थी। CRTs आर द लेस एक्सपेंसिव थे और कंपेयर टू द अदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, दो दूसरी टेक्नोलॉजी थी उनसे बहुत रिजनेबल रेट में मिल जाते थे। हाई रिफ्रेश रेट, उसको जो रिफ्रेश रेट थी वो बिल्कुल हाई थी, उसको मतलब नया करने की, जो भी अगर उसको कोई पार्ट हो जाता था ख़राब तो उसको रिफ्रेश करने की क्या थी, हाई रेट थी। CRT मोनिटर्स प्रोड्यूस हाई कंस्ट्रक्ट लेवल, दे आर स्टेबल फॉर यूज इवन इन द डार्क इन्वायरमेंट। वो क्या करता था, हमेशा स्टेबल होता था, इवन वो क्या यूज़ करता था, डार्क इन्वायरमेंट मतलब ब्लैक एंड वाइट को सपोर्ट करता था, ठीक है, उस टाइम पे। और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल थी वो बिल्कुल हाई थी, उसमें भी हमारी जो क्लियरिटी वो बिल्कुल हाई थी। CRT हैव ए फास्ट रिस्पॉन्स एंड द टाइम एंड आर द बेस्ट फॉर द रैपिडली मूविंग और द चेंजिंग इमेज। उसकी जो मूविंग, जो इमेज को चेंज करने की थी वो बहुत फास्टली थी और वो क्या करता था, बहुत रिस्पॉन्सिबली, बहुत अच्छे से उसकी बेस्ट रैपिडली थी वो मूविंग करने की। अब बच्चों इसकी बात करते हैं कि हमें इसमें इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, कुछ तो कुछ कमियां रही होंगी ना, तभी तो हमारे मार्केट लेवल में हमारे चेंजेस आते रहे। अगर इसमें सारी ही अच्छी चीज़ें होती तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इम्प्रूव करने की। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है CRT मोनिटर्स के, ठीक है, क्या था। फर्स्ट क्या कहता है, द बिगेस्ट एडवांटेज CRT मोनिटर आर वेट एंड साइज ऑफ ट्यूब्स। उसकी जो CRT कैथोड रे जो ट्यूब होती थी उससे उसका वेट और उसका साइज बहुत बड़ा था, लार्ज था। द अदर बिगर एंड डिसएडवांटेजेस, जो उसकी क्या थी, अदर बिगर डिसएडवांटेज, जो मोर पावर कंजप्शन, वो क्या उसकी डिसएडवांटेज क्या थी, बिगर मोर पावर कंजप्शन करता था, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लेता था, उससे क्या होती थी, कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी। CRT मोनिटर्स नीड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड मीन्स मोर कंजप्शन ऑफ पावर एंड मोर जनरेशन ऑफ हीट। वो क्या करता था बच्चे, कि अगर उसने बीम्स में ज़्यादा अगर एनर्जी ली है, मतलब इलेक्ट्रिक्स ज़्यादा है, तो वो उसकी जो जनरेट क्या करता था, जो उसकी हीटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हीट क्या करता था, बहुत ज़्यादा करता है, अदर देन LCD मोनिटर के, ठीक है, वेरी हैवी एंड लार्ज हो गया। इस यही बात हो गई, वेरी हैवी और लार्ज बच्चे सेम हेयर, वेट एंड साइज की बात हो गई। जनरेट एक्सपेंसिव हीट तो हम यहाँ पे भी कह चुके हैं, वही सेम मीनिंग है। आप पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए नहीं लिख सकते हो, यूज एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हम यहाँ पे वही बात कर सकते हैं कि लार्ज एनर्जी मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर चुके हैं लार्ज एनर्जी, ठीक है। आपको 3 पॉइंट्स में भी कवर हो रहा है और आप इसको शॉर्ट पॉइंट में भी 6 बना के लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आपने LCD की बात की थी। अब LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। LCD पहले तो क्या था आपका, CRT कैथोड रे ट्यूब, अब आया है LCD, ठीक है, क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज द लाइट एंड द मॉड्यूलेटिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल विच डू नॉट एंड द एमिट द लाइट एंड डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिल्कुल हमारी स्क्रीन क्या आई थी, एक बिल्कुल फ्लैट लाइट में आई थी इसकी जो लिक्विड क्रिस्टल थी, पर उसको क्या डू नॉट एमिट द लाइट डायरेक्टली, हम उसमें क्या करते थे, डायरेक्टली लाइट नहीं पहुँचा सकते थे इसके लिए। तो LED आर यूज टू बी द कंप्यूटर मोनिटर एंड टेलीविज़न, वो जो हमारे पास LCD आई थी वो डायरेक्टली जस्ट लाइक ए टेलीविज़न की तरह आई थी। द इक्विपमेंट एंड द पैनल, जो इसके इक्विपमेंट हुए थे, जो उसमें ऐड करने थे, एयरक्राफ्ट या द कॉकपिट और डिस्प्ले, जो उनमें इक्विपमेंट ऐड करने के लिए दिए गए अदर देन, अब जैसे पहले था जो CRT थे ना बच्चे, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी अटैच करके आप एक्सेस कर पाते थे, पर इसमें हमारे साथ क्या किया गया, LCD में आपको टेलीविज़न की तरह
सीपीयू भी ऐड करना पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके आप इसे चलाने लगे। सीपीयू तो वहाँ पे भी आप ऐड करते थे, ठीक है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू, पर यहाँ पे हमारी कंपलसरी हो गई थी चीज़ें कुछ कि यहाँ पे आपको ऐड ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या, एडवांटेजेस क्या आई बच्चों, द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वेयर इंच, कि जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो पर स्क्वेयर इंच। पिक्सल्स क्या होते हैं बच्चे, पहले तो ये समझो, एक आपकी जो स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है मॉनिटर की, क्या है, मॉनिटर की स्क्रीन है, और इस पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। ये एक ना कि कंप्लीट, आपको तो एक पिक्चर्स दिख रही है, बट वो क्या पिक्चर कब बनती है, ये छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं ना, इनको ज्वाइंट करके वो स्क्रीन दिखती है आपको, मतलब वो इमेज दिखती है, उसकी क्लियरिटी दिखती है। ये कहते हैं ना कि पिक्सल साइज कितना है, तो हम उसे आइडेंटिफाइज कर सकते हैं कि उसका रेजुलेशन पावर, मतलब जो उसका जो बाहर जो इमेज दिख रही है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वालिटी की बात की करते हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पे दो LCD मॉनिटर इज़ ए लार्ज हायर देन अदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, वो बहुत हायर थी अदर टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करता है, LCD हैव नो रेडिएशन एंड द एमिशंस फ्रॉम द स्क्रीन, उसकी जो नो कोई भी रेडिएशंस नहीं थी कि जो बाहर हमें, बाहर की हमें हीटिंग की जो प्रॉब्लम आती थी, और ये प्रॉब्लम नहीं थी। थर्ड क्या कहता है, LCD आर ए लाइटर एंड द वेट भी उसका लाइट था। LCD मोनिटर आर गुड एट द डिस्प्लेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वो क्या करता था कि लार्ज ऑफ डाटा को, अमाउंट को क्या करता था, डिस्प्ले करता था। एंड द एक्सेल स्प्रेडशीट विद द एक्सपेरिमेंट क्लियरिटी एंड द एक्सप्रेमिशन, तो क्या करता था, उसकी जो एक्सेल सीट हो गई ना, जो एक्सपेरिमेंटल जो उसकी क्लियरिटी थी, या चार्ट बनाना था, या कोई भी स्प्रेडशीट पे कोई हमें बार चार्ट बनाना था, या इमेज लेनी थी, तो वहाँ पे हमारी जो क्लियरिटी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, दे आर अवेलेबल इन ए मैनी मोर साइज, इसके क्या होते थे, बहुत सारे साइज आपके मार्केट में आए कि आपको 15 इंच का लेना है, 16 इंच लेना है, 21 इंच लेना, तो इसके साइज आपके पास बहुत मिले। तो क्या कहता है अब नेक्स्ट, आपके पास LCD इज़ ए हैव बेटर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायर लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट, वो क्या करता था, बेटर परफॉर्मेंस देता था बहुत ज़्यादा, और हमारी लेस पावर यूज़ होती थी और लेस हीट करता था। अगर पावर वो लेस लेगा तो हीट भी बच्चों कम ही जनरेट करेगा। लास्ट क्या है आपके पास, दे हैव द एक्सीलेंट एंड द कंस्ट्रक्ट एंड आर द इमेनी टू स्क्रीन एंड इमेज बर्न इन, तो जो एक्सीलेंस, जो भी इमेज का जो स्ट्रक्चर होता था आपके पास, जो आपको इमेज पे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई दे, वो बहुत अच्छा होता था। जो स्क्रीन इमेज थी वो बर्न, जो पिक्सल साइज थे बहुत नियर बाई थे, और पिक्सल रेजोल्यूशन बहुत हाई था, ठीक है। इतनी बात आपको बच्चों समझ में आई, बच्चों अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैम ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करूँगी, ठीक है। जब तक आप बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अपनी तरफ से हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर आपको पूरी कंप्लीट वीडियो समझ नहीं आती, फिर भी आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको डाटा अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में येस और नो लिख के भेजिए, और बच्चे आप कंटेंट को कंप्लीट देखिए कि जब तक आपको समझ ना आए, ठीक है। जब कंप्लीट समझोगे तभी आपको कंटेंट समझ में आएगा, आधा कंटेंट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिल जाए। चलो अब आगे चलते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ, डिसएडवांटेज ऑफ LCD मॉनिटर। अब इसके LCD मॉनिटर आते हैं, क्या कहता है, दे सफ़र फ्रॉम ए मोशन
ब्लर एंड द इफेक्ट क्या होते थे कि हमें सफ़र करना पड़ता है जो उसके मोशन, मतलब जो उसकी ये कहते हैं ना रोटेशन पावर होते हैं, ब्लर हो जाती थी उसकी इफ़ेक्ट के। जैसे कई बार मौसम ख़राब हुआ, जो कोई भी इफ़ेक्ट आया या उसमें कोई वायरस आए, तो हमारी पिक्चर से ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की शेड देगी। वेयर द इंडिविजुअली पिक्चर आर एडजस्ट एंड थ्रेडली बट स्टेप विद द इमेज ऑन द स्क्रीन। जब वो इंडिविजुअली जब इमेज आती थी ना वो तो ठीक है, बट क्या होते थे कलर मिक्सिंग हो जाते हैं ना, कि दो या तीन कलर मिक्स करके जो भी आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट क्या करता है, द हाई रिफ्रेश रेट ऑफ एलईडी, उसकी जो रिफ्रेश रेट है उसको ठीक कराने की वो बहुत हाई थी। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन द पिक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट थे पिक्चर में। एक्सपेंसिव एज कम्पेयर द सीआरटी, बहुत एक्सपेंसिव था सीआरटी के। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या आ गया, पहले क्या आया आपका सीआरटी, फिर क्या आया एलसीडी, अब क्या आ गया बच्चे एलईडी। ठीक है, ये आज एज प्रेजेंट हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब क्या कहते हैं एलईडी मॉनिटर, क्या है एलईडी मॉनिटर। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग मिटी डायोड, द एलसीडी इन दैट एलसीडी यूज द फ्लोर स्क्रीन एंड द लाइट विद वाइल एंड द एलईडी दोज लाइट एंड द इमिटेड एंड डायोड the floor scant and the light in the LCD are always behind the screen on the LED the light emitting and diodes can be the place and the either behind the screen around its edges ठीक है the different in the light and the lighting and the placement has a generally means the LED can be the thinner than the LCD. It has also the means that LED run and generate energy efficiency and the provide a clearly better and picture than LCD. तो यहाँ पे बच्चे क्या करता है कि जो आपके हर फीचर्स को देख के ये हमारी LED बनाई गई, उसके जो बैकग्राउंड में जो इमेज होती थी वो आपके लिए बेटर प्रोवाइड की गई। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लाइटें थी उसकी प्लेसमेंट थी जनरली जो मीट करती है थिनर देन एलसीडी के, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या की गई, बेटर बनाने की कोशिश की गई, पिक्चर प्लानिंग की गई थी। वैसे जो ग्रेट क्या था इसके, जो ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंसी थी उसको प्रोवाइड किया था, उसकी क्लियरनेस की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेज बच्चों क्या आई, एलईडी आर ए मोर सुपीरियर देन द पिक्चर क्वालिटी, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, जो मोशन जो यहाँ पे जो ब्लर की प्रॉब्लम आती थी वो रिमूव हो गई थी। यहाँ पे एलईडी हेल्प करता था एनर्जी और कंपेयर टू द एलसीडी एंड द काउंटर प्राइस फॉर ए मच एज ए 25% जो उसका एनर्जी था पॉइंट बाहर, जो हीटिंग पावर था काम करने की एनर्जी थी वो 25% कम था। एलईडी आर यूजुअली लाइटर एंड द थिनर एंड कंपेयर टू द सिटी, वो उससे भी बिल्कुल छोटा पतला आ गया था और क्या था लार्ज में बड़ा था। एलईडी से ऑफर बेटर एंड द सीपर दर कलर एंड द रिप्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द एलसीडी, जो उसके कलर थे उसको रिप्रोडक्ट करना एलसीडी के बहुत ईजी था। एलईडी डिस्प्लेज हैवी लॉन्गर फाइल लाइफ एज कम्पेयर, उसकी जो डिस्प्ले की जो फाइल थी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कोई फ़ोन लिया है तो जैसे हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट बच्चों हर फीचर्स अलग होते हैं, ये कहता है कि ये बहुत दिनों तक चलेगा, जैसे सैमसंग के फ़ोन है ना बहुत जल्दी हैंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही बात करता है कि एलईडी जो डिस्प्ले है लॉन्गर लाइफ तक बहुत लंबे समय तक चलता है एज़ कम्पेयर द एलसीडी के। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव बहुत है बच्चों, ठीक है, यह क्या है एक्सपेंसिव बहुत है। अब आगे बात करते हैं आपके जो हमने क्या पढ़ा था आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब यहाँ पे बात किसकी की गई है, प्रिंटर की। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हार्ड कॉपी, क्या प्रोड्यूस करता है, हार्ड कॉपी। और ये क्लासिफाइड टू कैटेगरीज के हैं, क्या है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट।
ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंटर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट एन इमेज बाय द प्रेसिंग इन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर यूजिंग पिन और हैम्बर टू द शेप द इमेज। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे बच्चे, ये क्या होते थे कि ये ऐसे होते थे, आपने पता है कि कार्बन देखा होगा, कार्बन क्या है, उसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि आप उस पर कुछ लिखते हो तो कार्बन एक इमेज छोड़ता है। तो क्या है, वहाँ पे आपने पेन से या किसी स्टिक से कोई भी दबाव दिया हैम्बर से, तो वो शेप बन जाएगी, वहाँ पे इमेज बन जाएगी। द मोस्ट कॉमनली टाइप इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने किस प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है बच्चों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ यूज़ होते हैं। आप कभी भी ATM में जाते हो तो जब आपने पैसे विड्रॉल किए लिए हैं वहाँ पे, तो जब आपके पास स्लिप आती है, क्या आती है, स्लिप निकल के आती है, जो आपके बैंक की डिटेल होती है वो कहाँ, किसका एग्जांपल है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। या फिर आप कभी कैंटीन से, जो आर्मी में है जिनके फादर्स या ब्रदर हैं, तो वो कभी भी कैंटीन से कोई सामान लेने जाते हैं, तो जो आपके पास स्लिप आती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की होती है, ठीक है। वो छोटे छोटे आपके डोटेड डोटेड से होते हैं, और जिनको हैम्बर से स्टिक करके बनाया होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, द कैरेक्टर इज फाउंड अ पेपर बाय ए नॉन केमिकल प्रोसेस, ठीक है, यूजिंग द बीट एंड द लेज़र टेक्नोलॉजी, जो उसके ऊपर यूज़ की गई, वह क्या क्या किया गया, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की, फोटोग्राफिक टेक्निक यूज़ की गई, एंड द थर्मल, इसके जो पार्ट हैं वो क्या है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेंक प्रिंटर एंड द लेज़र प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। किस तरह, कितने टाइप के एग्जाम्प इसके अंदर आते हैं नॉन इम्पैक्ट में, थर्मल प्रिंटर, इंकजेंक प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, अब इसके लिए हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। जो आपका इंकजेंक प्रिंटर है, पहले उसके, इंकजेंक प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी, क्या करता है, आपके पास इंकजेंक प्रिंटर होते हैं वो हाई क्वालिटी देते हैं। इंकजेंक प्रिंटर क्या करते हैं बच्चों, हाई क्वालिटी देते हैं आपके, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्वालिटी एंड आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटर्स एंड द बिकॉज दे हैव द कैरेक्टर बाय द थिन एंड द इंक डॉट्स, क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स में होते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है, प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी प्रिंटर। आपको पता चला ना कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं मैट्रिक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में आता था इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आपका, लेज़र प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, वेरी हाई क्वालिटी देता है, फास्ट एज कंपेयर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, किसकी, डॉट मैट्रिक्स है, चीप टू बाय, और उसको ख़रीदना बहुत इजी है, सस्ता है ख़रीदने में। कैन द प्रोड्यूस एन ए कलर्ड इमेज, और हमें प्रोड्यूस करके देता है कलर इमेज भी, प्रिंटिंग एंड द हाई रेजुलेशन ग्राफिक्स, और जो उसकी प्रिंटिंग है वो हाई रेजुलेशन की है, पिक्चर क्वालिटी बहुत है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कोटिंग एंड द कॉस्ट ऑफ मोर, जो इसकी जो कलरिंग की कोटेज आती कार्टेज आती है ना बच्चों, जो उसकी कलरिंग कार्टेज किसको बोलते हैं, जो कलर डलता है उसको, बहुत ज़्यादा हाई है। इफ़ द लेफ्ट अनयूज फॉर द लॉन्ग टाइम, अगर आप उसको नहीं यूज़ करते तो उसकी कार्टेज क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। आप इसको डेली, आपको ये डेली यूज, जो कंटिन्यूटी में यूज़ करता है उसके लिए बेस्ट है। स्लोअर एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, ये क्या है, स्लोअर है लेज़र प्रिंटर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेज़र प्रिंटर की। अब लेज़र प्रिंटर बच्चों यहाँ पे क्या कहता है आपको, लेज़र प्रिंटर कहता है आपसे कि लेज़र प्रिंटर आर ए मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर, बहुत ज़्यादा है इंकजेट प्रिंटर के, दे प्रिंटर क्वालिटी इज़ अ हायर एज ए फास्टर, बहुत हाई है। और जो लेज़र प्रिंटर है आर पेज एंड प्रिंटिंग बिकॉज दे प्रिंट वन पेज एट ए टाइम, वो क्या करता है एक प्रिंट पेज को एक ही टाइम पे प्रिंट करता है, ठीक है। ये आपको इमेज दी गई है प्रिंटर की, आपने मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपने ऐसे प्रिंटर्स देखे होंगे, ये हमारी मशीन है जो प्रिंटिंग रखते हैं लोग शॉप्स में, ठीक है।
अब यहाँ पे बात की जाए इसकी जो लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर आर ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, मैंने बताया था, बिकॉज डू नॉट हैव द हैम्बर, इसमें क्या नहीं होता, हैम्बर नहीं होता, मतलब आप किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते प्रिंट करने के लिए स्टिक्स का। ओन ए इंक्ड रिबन और पेपर, और इंक्ड रिबन पेपर का भी यूज़ नहीं करता। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों, डिसएडवांटेजेस क्या है, फास्टर इन द प्रिंटिंग स्पीड, इसकी प्रिंटिंग स्पीड क्या है, फास्टर है, प्रोड्यूस करता है किसको, गुड क्वालिटी प्रिंटिंग को, हाई रेजोल्यूशन होगी, मतलब आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, कैन प्रोड्यूस इन द कलर्ड इमेज आल्सो, और कलर इमेज करता है, प्रिंट हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स है, और रन कॉस्ट इज ए लो, रनिंग कॉस्ट क्या है, लो है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अब डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव तो है इसके कलर, कलर क्या है, कलर कर जो है इसमें यूज होते हैं वो ही है, कैन नॉट प्रिंट कंटिन्यूसली स्टेशनरी, और इसको जो स्टेशनरी से आप कंटिन्यू प्रिंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम प्लॉटर की, आपने पढ़ा था ना आपके पास प्रिंटर हैं, मॉनिटर हैं, प्लॉटर हैं, जो स्पीकर हैं, क्या है आपके आउटपुट डिवाइस। अब प्लॉटर की बात करते हैं, ए प्लॉटर ही इज ए स्पेशलाइज्ड आउटपुट दैट डिजाइन टू बी द प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स। ये क्या करते हैं कि ये स्पेशली उनके लिए करते हैं जो डिवाइस डिज़ाइन की गई है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ठीक है, और कलर के साथ। यहाँ पे प्लॉटर आर इन ए आइडिया आउटपुट दैट द आर्किटेक्ट जो होते हैं, इंजीनियर होते हैं या ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको नीड होती है जनरेट करने की हाई क्वालिटी, जो हार्ड कॉपी ग्राफिक्स होती है ना उनके लिए ये बहुत स्पेसिफिक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में काम आता है कि ऐसे आपको यहाँ पे वाई एक्स माइनस वाले एक्स एक्स माइनस ग्राफ के फॉर्म में जहाँ पे काम होता है, तो प्लॉटर वहाँ पे बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसकी एडवांटेजेस क्या थी बच्चों, यूज़ फॉर द प्रिंटिंग एंड ड्राइंग, आप क्या करते हो पेंटिंग भी प्रिंटिंग करते हो, ड्राइंग भी, कैन प्रिंट लार्ज साइज ऑफ पेपर, और उसमें हम क्या करते हैं लार्ज साइज ऑफ पेपर की यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रिंटिंग एंड हाई रेजोल्यूशन, हमें हाई रेजोल्यूशन मिलता है और गुड क्वालिटी प्रिंटिंग मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है प्रिंटिंग, एक्सपेंसिव भी है और स्लो भी, नॉट ए गुड फॉर द प्रिंटिंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट मटेरियल होता है ना बच्चे, ग्राफिक्स तो ठीक है, मतलब पिक्चर एनिमेशन तो ठीक है, प्रिंटिंग में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीकर की, जो स्पीकर आपको सबको पता है, शादियों में भी देखते हो स्पीकर होते हैं, या आपके घरों में भी आप साउंड के लिए छोटे एम्पलीफायर्स यूज़ करते हो जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, वहीं स्पीकर हैं बच्चे। स्पीकर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर के अंदर भी होता है एक पर्सनली, पर आप साउंड अगर और भी ज़्यादा हाई चाहते हो वॉल्यूम, तो आप एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ करते हो। दे रिसीव ऑडियो इनपुट एंड द फॉर्म कंप्यूटर एंड साउंड कार्ड एंड प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, वो क्या करते हैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पीकर यूजली कम इन ए पार्ट पेयर्स विच अलाउ टू बी प्रोड्यूस इन द स्टीरियो साउंड फ्रॉम टू स्पीकर ऑडियो चैनल्स, ठीक है। आपको इसके बैलेंस बनाने के लिए स्पीकर्स के जो वॉल्यूम्स का, तो आप दो स्टीरियो साउंड यूज़ करते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे एडवांटेजेस की बात की गई है इसकी, स्पीकर आर इजी टू ऑपरेट करना, इजी है, दे कैन बी यूज फॉर द अल्टरिंग द यूज़र, ये यूज़र के लिए अल्टर एक रिसोर्स भी है, इसका एक्सटर्नल पार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, जोड़ सकते हो। एवरीवन ही इज अ रूम कैन बी अ हीयरिंग आउटपुट द कंप्यूटर, ठीक है। दे कैन हेल्प द ब्लाइंड पीपल बिकॉज टेक्स्ट कैन बी द कन्वर्टेड इनटू साउंड, ये उन ब्लाइंड पीपल्स के लिए है जो देख नहीं सकते या टेक्स्ट नहीं देख सकते। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट अदर्स वाइल एंड द ट्राइंग टू बी वर्क, ये डिस्टर्ब करता है जब हम कोई भी अदर वर्क कर रहे होते हैं,
बच्चों आई होप सो आपको आउटपुट डिवाइस समझ आए होंगे। तो मैंने आपको स्पेसिफिक यही वीडियो बनाया कि मैं वहीं पे फोकस करूं कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।